कोरोना वायरस की इतनी दहशत है कि अब दिहाड़ी कामगार अपने घर वापिस जा रहे हैं। पैदल गांव में जाने वाले दिहाड़ी कामगारों को स्वयंसेवी संस्था अपने वाहन से घर छोड़ रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर जनजागृति का काम हर क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों से आए शहरी इलाकों में काम करने वाले दिहाड़ी कर्मचारी अपने गाँव वापस जा रहे हैं। नागपुर आए सिवनी और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र में जाने के लिए कर्मचारी पैदल ही नागपुर से अपने घर वापस जा रहे हैं। ऐसे में शहर के कुछ संस्था के युवाओं ने पैदल अपने गांव जाने वाले दिहाड़ी कामगारों को अपने चार पहिया वाहन से खवासा बॉर्डर तक छोड़ा है। दर्शकों, जब से संचार बंदी लागू हो चुकी है तब से कई लोग तो अपने घर में है, मगर उन दिहाड़ी कामगारों का क्या? वे लोग अभी भी अपने घर की ओर निकल चुके हैं। कुछ लोग मध्य प्रदेश में, सिवनी में, कुछ जबलपुर में। दिहाड़ी कामगार इन दोनों नागपुर के उन सड़कों पे यूं ही घूम रहे हैं, लेकिन वे अपने घर जाने के लिए निकले हैं, लेकिन उन्हें कोई भी पर्याप्त ऐसा कोई वाहन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वे लोग पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा के सफर पे निकले। आइए उनसे जानना चाहेंगे। भैया, कौन से गाँव के हो आप, कहाँ से आए और क्यों जाना चाहते हो नागपुर छोड़ के? सीधे जाने वाले हैं, यहाँ खपड़ी में काम कर रहे थे भाड़ा का, इसलिए गाड़ी कोई नहीं मिला, इसलिए कोई भी वाहन सड़क पर नहीं मिल रहा है। 1000 किलोमीटर जाने वाले हैं तो कुछ व्यवस्था चाहिए। आप क्या करना चाहो? हाँ, क्या ऐसी सबको मदद में चाहते हैं कि भाई मदद मिल जाता, हम लोग घर में पार हो जाते हैं भाई, सभी का मतदाता का पार करना चाहिए। हाँ, यही है। दिनों से निकले आप? दो दिन से। अभी कितना किलोमीटर का सफर किया आपने? 800, और कितना अभी बाकी है? अभी तो इतने तो हमको मालूम नहीं है सर, कितने के बाद। बिल्कुल, इन्हें और 800 किलोमीटर और भी जाना है। आप बताइए भैया, कौन से गांव के लिए सब निकले हैं, आप बताइए। सर, ये लोग फंसे हुए हैं, हमारे तरफ से सुविधा है, हम अपनी कार से सामने से गाड़ी जा रही, ये अपना सिवनी तक के बॉर्डर तक के गाड़ियां जा रही, हम लोग इनको फ्री सेवा दे रहे हैं, वहाँ से आम को उनके घर पर छोड़ रहे हैं। यहाँ सिवनी तक के छोड़े? सिवनी तक के छोड़े, से सिवनी बॉर्डर तक, खवासा बॉर्डर तक के गाड़ियाँ छोड़। अभी तक के कितने लोगों को छोड़ चुके हैं सर? अभी तक के तो मैंने सुबह से 2500 के ऊपर हो गए छोड़ दिए। इसराइल खान, मोहम्मद इसराइल खान निजाम में। बिल्कुल, इस समय में हमारे साथ में इसराइल खान जैसा नौजवान साथी है, जो इस युवक को जब ये लोग दिखाई दिए तो उससे रहा नहीं गया, वो लगातार एक मानवता के दृष्टिकोण से इन लोगों के कामकाज आ रहे, इन्हें खवासा बॉर्डर पे छोड़ रहा है। इस समय में हम कामठी रोड पे, कामठी से खवासा बॉर्डर भी कहना चाहे तो बहुत ज्यादा किलोमीटर का सफर होता है। ऐसे में जो लोग नागपुर के 0 माइल के पहले से जो लोग पैदल आ रहे थे, वे लोग अभी सीधा अपने गाँव की ओर आने के लिए निकले और कामठी रोड पे इन्हें इस जैसा एक फरिश्ता मिला है। ऐसे कई नागपुर में फरिश्ते जो इन दिनों संचारबंदी के दिनों में काम कर रहे, कोई किसी को खाना खिला रहा तो कोई उनके, ऐसे दिहाड़ी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का बखूबी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह दूं कि संचारबंदी इसलिए की गई है क्योंकि COVID-19 ये जो कोरोना वायरस है, इसकी रोकथाम करने के लिए, जन जागृति करने के लिए हम सभी लोगों ने अपने घर रहना चाहिए। ऐसे में ये जो दिहाड़ी जो कामगार थे जो है, उन लोगों को उनके ठेकेदार ने उनको घर जाने की अपील की है, पैसे दिया नहीं दिया वो तो मान लो, लोग भूखे पैसे चल रहे हैं क्योंकि उनके परिजन उनकी इंतजार कर रहे हैं, उनकी राह देख रहे हैं। ऐसे में जब पैदल का सफर हो, कोई न हो साथ में, तब ऐसे फरिश्ते काम में आते हैं। और इसीलिए यही भारत देश की एक, भारत देश को महान इसी लिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे भी नौजवान साथी है जो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। अगर भूखे तो उन्हें खाना खिलाते हैं, अगर वे पैदल है तो उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक सफर भी अपने खुद के व्हीकल से करवाते हैं। ऐसे 2500 लोगों को अब तक के छोड़ चुके, ऐसे इस फरिश्तों को हम तमाम दर्शकों की ओर से दुआएं देते हैं। आप थोड़ा सा पहन करके बताइए, मैं हमारे कैमरा पर्सन मोहर जी को ये कहना चाहूंगा। मोहर जी, बताइए कि ये किस तरह से, देखिए ये वैन में ये लोग सबको बिठाया जा रहा है और एक दो गाड़ी आगे में, सफेद गाड़ी सामने में भी दिखाई दे रही है, थोड़ा पहन करके हम देख सकते हैं कि ये ऐसे 2-3 गाड़ियों में इस प्रकार का कामकाज किया जा रहा है, लोगों को लिया जा रहा है। काम कर रहे हैं, हमारे काम के बहुत से ऐसे भाई है, मुसलमान भाई है, हिंदू भाई है, सभी मिलजुल के अपना पार्टी से लेकर के शारदा चौक शीतला माता मंदिर के पास में हमारी गाड़ी लगी, हम कार से भी सेवा दे रहे हैं, वहाँ तक के भी ले जाके छोड़ रहे हैं, वहाँ से कामटी से हर जगह से जो मजदूर भाई है सबको छोड़ा जा रहा है। ये बहुत से सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है देख के। बिल्कुल, अगर सही में कोई इबादत है तो यही इबादत है जो पूरी श्रद्धा के साथ में किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी पहल है। आज जो दिहाड़ी कामगार जो थे, जो भटक रहे थे सड़कों पर, वे बहुत जल्द अपने घर
घर उनके परिजनों को दिखाई देंगे, ये सबसे बड़ी हर्ष की बात है। लेकिन आप घर में भी तो वहाँ बाहर मत निकलेगा, आप इस तरह का मास्क पहनिएगा, सैनिटाइजर कीजिएगा और लोगों को भी बताइएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की लड़ाई आप अकेले को नहीं बल्कि हम सबको मिल के लड़ना है। और इसीलिए मैं सभी लोगों को फिर से एक बार इनबीसीएन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वे अपने घर में रहे और लोगों के कामकाज भी आए। कैमरा पर्सन मोहर के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।